पाक फौज जिंदाबाद, आईएसआई जिंदाबाद, रोग जनरल जिंदाबाद, रोग जनरल जिंदाबाद, झूठे जनरल जिंदाबाद, लूटने वाले जनरल। इससे पहले कि मैं थोड़ी चंद बातें करना चाहता हूँ, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। हम अपनी हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं, हम अपनी जैसे दूसरे सहाबियों को सलाम करते हैं जिन्होंने सच को, जिन्होंने आवाम की आवाज को बुलंद रखा हुआ है। हम मैं यहाँ पर मुल्क भर के मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा खड़े हैं, मैं उनकी इजाजत से कई सारे दोस्तों ने मुझे ये कहा है कि मैं आप सब की तरफ से एक दावत भेजूं, क्योंकि हाबत मीर की जान अब भी खतरे में है। हमें ये दावत भेजते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से कि उस मुतालबा भेजते हैं कि उस हाबत मीर को फौरी तौर पर इलाज के लिए लंदन भेजा जाए, उसका उसके फैमिली का सारा खर्चा ओवरसीज पाकिस्तानी उठाएंगे। कादरी साहब इस बात को सेकंड करते हैं, अगर आप इस बात को सेकंड करते हैं तो प्लीज हाथ उठाकर एक दफा धारे यकजहती करें कि हामिद मीर के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी तमाम खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं, और हम मुतालबा करते हैं कि उन्हें इलाज के लिए फौरी तौर पर बाहर भेजा जाए। अब मैं चंद बातें करना चाहता हूँ। मैं ठीक है एडिटर हूँ, जंग का मुलाजम हूँ, लेकिन मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से एक बात करना चाहता हूँ। जंग के कारकुन की हैसियत से मेरी जुबान बंद है। जंग वाले को ब्लैकमेल किया गया है, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर झूठे लोगों ने, झूठे मीडिया ने, झूठे खुफिया हाथों ने। कौन आए सामने उठा के कुरान उठा के आए, किसने जंग के किस बंदे ने फौज को बुरा कहा, जियो के किस प्रोग्राम में फौज को बुरा कहा गया? ओए झूठो करतूतो, तुम लोगों ने मुल्क को तबाह किया, और तुम लोग गद्दारी का सर्टिफिकेट देकर झूठे इल्जाम लगाकर, ये ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग बंद करो, फौज का नाम लेकर ब्लैकमेलिंग बंद करो। फौज की सब इज्जत करते हैं, लेकिन झूठे जर्नैलों की जिन्होंने लूटा, उनके खिलाफ फौज के अंदर से करते चले। जब आर्मी चीफ के खिलाफ फौज के अंदर से हमला हुआ, क्या फौज के अंदर लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या उनको अभी तक सजाएं नहीं हुई? क्या इसका मतलब ये नहीं था कि पूरी फौज ने अपने आर्मी चीफ पे हमला कर दिया था? तो जब हर मुल्क में चंद लोग हर अदारे में होते हैं, अगर कोई उनकी बात करता है, उसको ब्लैकमेल के तौर के ऊपर पूरे अदारे के लिए कह दिया जाता है कि शायद ये पाक फौज वो है जिसको सब मोहब्बत करते हैं और जिसको सब आगे देखना चाहते हैं। लेकिन मेरी पाक फौज के जवानों से दरख्वास्त है कि वो अपने रोग जर्नैलों की बातों में ना आए। मेरी पाक फौज के जर्नैलों से गुजारिश है, ऐसे जर्नैल जो उन्हें ये कहते हैं कि सियासी कारकुन और सहाफी कारकुन ये बेईमान होते हैं, ये बेवतन नहीं है, वो बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। सियासी कारकुन, सहाफी कारकुन भी फौजियों से कम नहीं है, क्योंकि फौजी जो है वो महाजों पर लड़ते हैं, सियासी कारकुन और तो बगैर तनख्वाह के काम करते हैं। सियासी कारकुन तुम रब्बे भी नहीं लेते, सियासी कारकुन आपके हकूक के लिए बात करते हैं, इंसानी हकूक के लिए बात करने वाले अपनी जेब से जो आप देखेंगे वो खर्चा करके काम करते हैं, हड़तालें करते हैं। अगर फौज के लोग बड़ा अजीब काम करते हैं, गोलियां खाते हैं,
उन सियासी कारकुनों को, उन सहाफियों को भी ना भूला जाए जो आवाम के खातर, जो सच्चाई के खातर, जो अपने महबूब वतनी के खातर, जो अपने वतन को आगे ले जाने की खातर गोलियां चलाते हैं। इस मुल्क के सियासी कारकुनों ने गोलियां खाई हैं, इस मुल्क के सियासी कारकुनों ने अपने वतन के लिए अपने आप को जिंदा जलाया है। तुम उन सहाफियों को गद्दार कह रहे हो, और गद्दार कहने वालों होश में आओ, वरना सारी दुनिया लानत भेजेगी। हम इस मुल्क से बाहर हैं और हम इस मुल्क में बैठकर जमहूरियत की हिफाजत कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेवकूफ ना बनाया जाए, चंद एक ओवरसीज पाकिस्तानी इस प्रोपेगंडे में ना आए कि ये कोई फौज के खिलाफ मुजाहरा है या कोई फौज के खिलाफ बात हो रही है। ये अदारा तो वो है जिसने फौज को हमेशा कंधों पर बैठाया है, ये वो अदारा है जिसने फौज को हमेशा आगे लेकर चला है। और एक बात बताना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं जंग का मुलाजिम, और मैं ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ, ये बात भी मैं एक सहाफी के तौर पे, एक पुराने सहाफी के तौर के ऊपर, एक सच्चे सहाफी के तौर के ऊपर कर रहा हूँ, अगरचे मेरा दाना मुझे ये इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं चूंकि दफ्तर में नहीं हूँ, दफ्तर से बाहर हूँ, मैं एज ए सहाफी भी बात कर सकता हूँ। और वो बात ये है कि एक सहाफी जिसका नाम मिश्किलो रहमान है, उसको उनको गद्दारी के और उनकी फाइलें खोली जा रही हैं। और एक साबिक जर्नैल ने कहा, क्या नाम है उसका जिसने बगैर, इस जर्नैल ने जिसके पास कोई मैंडेट नहीं था, बगैर मैंडेट के जंगे लड़ी, उनकी भी फाइलें खुलेंगी। वो अगर मिश्किलो रहमान की और कौन सी फाइलें खोल लेनी है, आप लोग तो फाइलें खोलने के ऊपर लगे हुए हो साफियों की, अब उन जर्नैलों की फाइलें भी खोलनी चाहिए जिन्होंने बगैर मैंडेट के ऊपर किया। अब सहाफियों के पास भी उनकी फाइलें मौजूद है, खोलो जिस जिसकी फाइलें खोलनी है, फिर देखना सहाफी किस किस की फाइलें कैसे खोलते हैं। लेकिन अपने पाक फौज, लेकिन हम अगर चुप हैं, अगर सहाफियों ने फाइलें बंद रखी हुई है उन जर्नैलों की जिन्होंने लूटा है, उन जर्नैलों की जिन्होंने झूठ बोला है, उन जर्नैलों की जिन्होंने सब खून मारे हैं, उनको भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाक फौज की मोहब्बत की खातर हो रहा है। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा, कहीं पानी सर से ऊपर ना गुजर जाए, इसलिए गुजारिश है पाक फौज से, उससे मोहब्बत करने वालों से भी गुजारिश है कि खुले दिल के साथ इंसाफ की बात करें, किसी को लूटना, किसी को बेवतनी के नाम के ऊपर निशाना ना बनाया जाए। दरखास्त है जमहूरियत और पार्लियामेंट का एहतराम किया जाए, सच बोलने वालों का एहतराम किया जाए, हम सब का एहतराम करते हैं। आखिर पे फिर मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से मुतालबा दोहराता हूँ कि हामिद मीर को इलाज के लिए जल्द अज जल्द बाहर भेजा जाए और ओवरसीज पाकिस्तानी उसका तमाम खर्चा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रैम्बो, कीप वॉचिंग TV 786, देखते रहिए।